रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद सादे किचन डायरी में। जी व्यूवर्स, जो आज आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी चिकन बेकिंग पास्ता। तो इसको हम बेक करेंगे, मैं पास्ता बनाने लगी हूँ। तो व्यूवर्स, इसकी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रिदा को एक काम कहती हूँ। रिदा, वो दरवाज़ा बंद करके आओ, आवाज़ आएगी। तो चलें व्यूवर्स, अज्जा नोट कर लें, हम सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं चिकन से। ये देखें व्यूवर्स, ये 300 ग्राम चिकन है, बोनलेस से, आप अपनी मर्ज़ी के क्यूब्स काट लें। ये जी मिल्क है, तकरीबन 250 ग्राम, 250 ml दूध है। ये जी चैटर्ड चीज़ है, मोज़रेला और चैटर्ड चीज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। ये जी क्रीम है, ये आप देख सकते हैं 3-4 चम्मच है। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है। ये जी मशरूम्स हैं, ये उबले हुए और कटे हुए मशरूम्स हैं, 1 कप मशरूम्स हैं। और व्यूवर्स, ये एक बेल पेपर है, यानी कि शिमला मिर्च जो होती है वो 1 है, सीड्स निकाल के मैंने अच्छे से काट लिए हैं। ये टमाटो हैं, इनको मैंने बीज जो है ना वो सीड्स निकाल के फिर काटती होती हूँ। बताओ रिदा, वो जी टमाटो केचप है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रिदा, अच्छा चले मैं बताती हूँ। ये जी पास्ता मैक्रोनी है, आप अपनी मर्जी की कोई भी शेप ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास यही थी, तो मैं यही, क्योंकि अभी पास्ता में काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ और भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज जो हैं पास्ता की शेयर करूँगी। ये जी विनीगर है, ये चिली सॉस है जिसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये सोया सॉस है, वैसे अगर आपके पास उस्टर सॉस और डार्क सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये केचप तो रिदा ने बता ही दिए। ये व्यूवर्स ऑर्गेनो है, पाउडर है, मेरे पास पाउडर ही फिलहाल था। और ये नमक है, ये काली मिर्च है, ये सफ़ेद मिर्च है, ये दड़ा मिर्च है। ये जो मिसाले हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें, ये जस्ट मैंने आपको क्वांटिटी बतानी होती है। और व्यूवर्स, एक साइड पे मैंने चूल्हे पे पानी रख दिया जिसमें हम मैक्रोनी बॉयल करेंगे। व्यूवर्स, तो पानी आप देख सकते हैं हमारा बॉयल हो चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, रिदा इसको ना हिलाओ टेबल को, आपको पता फ़ोन हिलता है, तो छोड़ दो टेबल को। इसमें जी व्यूवर्स अभी हम डाल देंगे पास्ता। चलो रिदा उठा के डालो, हाँ जी, सारा ध्यान से, हाथ नहीं जलाना रिदा, ऐसे नहीं छोड़ दो, आप थोड़ा सा डाल दो, बाकी मुझे डालने दो। चल डाल दो, अच्छे से डाल दो, चलो चलो ऊपर हाथ करके डाल दो, डाल दो, छोड़ दो रिदा, आपसे नहीं होगा मेरी जान, आप बहुत छोटे हो भी। हाँ जी, ये देखें जी, हाँ जी रिदा व्यूवर्स, मैंने इसमें ये हाथ नहीं जलाना मेरे बेटा। तो व्यूवर्स जी आप देख सकते हैं मैंने पास्ता इसमें ऐड कर दिया है, और ये देखिए जी 1/2 चम्मच जो है इसमें नमक डाल दूंगी। अच्छा रुको रिदा, इधर से अभी हम घी उठा लेते हैं, ये इसमें हम घी ऐड कर देंगे 1 चम्मच। ये देखिए जी, ज़्यादा डाल दिया कह रहा है, कोई मसला नहीं है। तो ये इस वजह से बॉयल, आपने बॉयल करते वक्त डालना होता है ताकि चिपके ना एक दूसरे के साथ। व्यूवर्स, पास्ते को मैंने पानी के अंदर ऐड करके फिला लिया है, अब इसको हम छोड़ देंगे व्यूवर्स, इसको बॉयल होने तक कोई हम इसको 70% करेंगे, बॉयल करेंगे। और एक साइड पे व्यूवर्स मैंने ओवन को गर्म करने के लिए छोड़ दिया है, वो प्री हीट हो जाएगा। मैंने अभी 100 पे उसकी हीट रखी है, जब मैं बेक करने लगूंगी तब मैं 150 कर दूंगी। तो अभी व्यूवर्स चलें जी, अब हम चलते हैं जी चिकन के प्रोसीजर की तरफ, उसको तकरीबन आप लोगों ने 70% जो है ना वो बॉयल करना है। व्यूवर्स, मैंने कढ़ाई एक साइड पे रख दी हुई है, और इसी स्टेज पे व्यूवर्स मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने घी डाल दिया, और घी के साथ ही मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, 2-3 कलियाँ थी काट के बारीक बारीक करके मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। लहसुन मुझे इतना पर्सनली इस तरह की चीज़ों में नहीं पसंद, खैर ये ज़रूरत है रेसिपी की, तो लहसुन हमें डालना पड़ेगा। तो लहसुन डाल दिया मैंने, 1-2 मिनट फ्राई होगा, उसके बाद व्यूवर्स मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। बीच बीच में आप अपने पास्ते को भी मिलाएं, पास्ते को नहीं भूलना। अभी इसमें है जनाब टाइम, 70% आपने इसको बढ़ाना है। टाइम से अगर टाइम देखें तो 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो देखें व्यूवर्स जी, मुझे लगता है कि लहसुन जितना हमें फ्राई चाहिए उतना हो चुका है, और ये मैंने बोनलेस चिकन इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा साफ नमक ऐड कर देंगे, वैसे तो मैं आम रेसिपीज़ में नहीं डालती, लेकिन पास्ते में ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि
घी ज़रा कम है तो हमारा चिकन साफ ना चिपक जाए। तकरीबन हाफ चम्मच मैंने व्यूवर्स इसमें नमक ऐड कर दिया है। फिर पूरी मिलाएं, ये देखिए हमारा चिकन तकरीबन हम इसको कोई 10 मिनट जो है ना अच्छे से कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा व्यूवर्स, तब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, चिकन हमारा ना रेडी हो चुका और एक साइड पे मैंने जो पास्ता था उसको बॉयल करके ठंडा पानी एक बार उसमें से गुजार ली है ताकि आपस में ना मुस्टिक ना हो। ये देखिए मतलब टैप वाटर जो होता है व्यूवर्स, समटाइम मैं ये होता है कि बताती हूँ अपने फ्रेंड्स को, ऐसे ही मैंने एक दो बार बताया तो वो क्या करती है कि फ्रिज में से ना चिल्ड जो होता है वाटर वो निकाल लेती हैं तो वो जी उसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, इस स्टेज पर हम दूध ऐड कर देंगे जो हमारे पास 250 ग्राम दूध पड़ा हुआ था, ये हम ऐड कर देंगे। थोड़ी फ्लेम हाई करेंगे और क्योंकि ये बेकिंग पास्ता बन रहा है वाइट सॉस के साथ तो थोड़ा सा जो है ना हम स्पाइसेस जो हैं वो चाहें तो थोड़ा सा इसमें वो डाल लें, चाट मसाला ही कुछ थोड़ा सा तीखा होता है। खैर मैं तो उसी तरीके से बना रही हूँ जो नॉर्मल सा हमारा तरीका होता है। ये देखें व्यूअर्स, इसी स्टेज पे मैं हाफ चम्मच कुटी मिर्ची डाल रही हूँ और हाफ चम्मच व्यूअर्स इसमें मैं काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ। जो हमारा पास्ता था उसकी वो उसका हाफ कप था, तो सॉरी एक कप था, यानी कि 250 ग्राम था हमारा पास्ता। तो ये देखिए जी हाफ चम्मच मैंने काली मिर्ची ऐड कर दी है और ये ऑरिगैनो पाउडर तकरीबन चौथाई हिस्सा चम्मच का ये मैंने ऐड कर दिया है। मशरूम्स हैं बॉयल्ड है वो लास्ट पे डाल लेंगे हम। तो इसको 5 मिनट कुक करने के बाद व्यूअर्स हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। खैर अभी हमें ज़रूरत नहीं, अभी हम इसको 1-2 मिनट थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो और व्यूअर्स नमक मैंने क्योंकि ऐड किया था थोड़ा सा हम ना ऐसे चौथाई हिस्सा चम्मच का नमक और ऐड कर लेंगे क्योंकि पास्ते में भी मैंने डाला था जब बॉयल किया है। तो जब पहले चिकन मैंने करना था क्या उसे कहते हैं फ्राई करना था तब भी मैंने डाल लिया था नमक, तो नमक ज़रा हिसाब का डालें अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो देखिए व्यूअर्स अभी हम थोड़े से स्पाइसेस और ऐड करेंगे, इसमें मैंने हाफ हाफ चम्मच सारी चीज़ें डाल दी और ऑरिगैनो पाउडर और जो है नमक उसकी क्वांटिटी ज़रा कम रखी है। इस स्टेज पे मैं इसमें क्या करूँगी, जो कि मेरे पास वेजिटेबल्स थे ये शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी हैं, ये प्याज मैंने ऐड कर दी हैं, जो एक प्याज था मीडियम साइज का चॉप्ड था यानी कि मीडियम चॉप, ये जी टमाटर हैं जो चॉप थे मेरे पास वो मैंने ऐड कर दी। आप अपनी मर्जी से वेजिटेबल्स बढ़ा कम कर सकते हैं अपनी चॉइस से आपकी। और अब देखें व्यूअर्स इस स्टेज पे हम इसमें तकरीबन हिसाब से 1-1.5 चम्मच बनता है सिरका मैंने डाल दिया, ये देखें इतना ही मैंने सोया सॉस डाल दिया है। और व्यूअर्स ये हम डाल देंगे जी रेड चिली सॉस, इतनी ही हम रेड चिली सॉस डाल देंगे। तो ये व्यूअर्स हमारा जो पास्ते का मेन पॉइंट था इसको हमको 2-4 मिनट करेंगे ड्राई, इसका अंदर से ये वाटर शॉर्टेज जो भी अब हो गया थोड़ा लिक्विड सा ये अभी हम इसका ड्राई करेंगे, इनको अच्छे से हम बॉयल कर करके पागल करेंगे, फ्राई कर करके पागल करेंगे सारी सब्जियों को। जब व्यूअर्स ये अच्छे से पागल हो जाएंगे तब इनका असली मज़ा आता है। ये आप देख सकते हैं, देखें जी बहुत ही प्यारी खुशबू है। अभी जी 2-3 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे पकाएंगे। हम थोड़ी सी डाल देंगे चीज़, चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा सा होगा ज़्यादा क्योंकि हमें इसको बेक करना है तो बेकिंग में हम लोगों ने चीज़ ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं मशरूम्स मैंने डाल दिए बहुत ही बारीक चॉप्ड हैं, आप चाहें तो आपके पास अगर कच्चे मशरूम्स हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, मुझे फ़िलहाल ये ही मिले थे, मैं भी चाह रही थी कि कच्चे मशरूम्स ही यूज़ करूँ
तो नहीं मिले खैर माई बैड लक। तो इसी स्टेज पे व्यूअर्स हम ऐड कर देंगे इसमें ये बहुत ही प्यारी सी क्रीम, क्रीम जो ना हमारी गुस्सा कर गई है, गर्मी में रखा है, ड्राई हो गई है थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा मेल्टी होना चाहिए, तो गुस्सा कर गया कोई नहीं, इसकी अभी वो थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी, जैसे गर्म गर्म बच्चे बस में जाएगी खुद ही लेवल पे आ जाएगी। ये देखें जी आजकल इंसानों को इतना गुस्सा आता है, बट देख सकते हैं आप गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें व्यूअर्स एक क्रीमी सा आपको फील हो रहा होगा। ये देखें दो तीन मिनट करेंगे कुक और उसके बाद व्यूअर्स हम चलते हैं जी इसको बेकिंग वाले प्रोसीजर की तरफ लेकर। देखें व्यूअर्स अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी पास्ता, ये देख सकते हैं, देख लें कितना इसको समझाया था, ठंडे पानी से गुजारा सारा कुछ किया, फिर भी स्टिक हो गया, खैर मर्जी वाला है। ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप बहुत ही मज़े का इसका जो है वो रंग रूप है, बड़ा ही खूबसूरत सच्चा है। तो आप इसको ऐसे भी खा लें, हल्का सा ड्राई इसको करें और इसको आप ऐसे सर्व कर लें, तो ये भी एक इसका है तरीका है। वाइट सॉस के साथ आपको फिर बताऊंगी, ये तो खैर आज हम बेक करने लगे हैं तो बेकिंग का थोड़ा प्रोसीजर और होता है। तो देखें जी व्यूअर्स दो मिनट और पकाएंगे तो फिर चलते हैं हम बेकिंग की तरफ जी। आप देख सकते हैं मेरे पास है केक पैन, क्योंकि पिज्ज़ा जो होता है ये पास्ता इसको हम एक मिलता होता है बाहर से बाउल वो ना उसका फाइल पेपर टाइप का बना हुआ, आप उसमें भी कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल बर्तन है, माइक्रोवेव सेफ है, सॉरी कुकिंग वो जिसमें हो जाए ओवन जो सेफ़ है उसमें आप बेकिंग कर सकते हैं। तो मैंने नीचे देख सकते हैं आप मैं कैचअप लगा ली थी, बस कैचअप का जो यूज़ है वो इतना ही था। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स देखें जी कसम से ऐसे ही खा जाओ इतना मज़े का लग रहा है। तो ये देखें अच्छे से आप इसको फैला लें व्यूअर्स, मैंने चीज़ अच्छे से लगा दी है, ज़्यादा चीज़ अपनी चॉइस है, मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ी सी ये देखें लेयर्स काट ली थी मोज़रेला चीज़ की। ये देखें ऊपर व्यूअर्स आप थोड़ी सी ये चीज़ें स्प्रिंकल कर दें, ये देखें मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो इनफ। चलें इसको अब हम चलते हैं माय उसमें ओवन में रखने के लिए। व्यूअर्स ये देखें मैंने जो ओवन है वो प्री हीट कर लिया था तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले इसको रखा है, काफ़ी गर्म होगा, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस वजह से मुझे कोई इतना खास डर नहीं लगता, अदरवाइज़ पहले बहुत डर लगता होता था। तो अब आपने इसमें जो ओवन इसको कितना जी इसको मैंने 150 पे रखा है, थोड़ा प्री हीट जो यानी पहले 100 पे किया था अब मैंने 150 पे कर दिया, ये आप देख सकते हैं। तो अब 150 पे व्यूअर्स हम लोगों ने इसको जी कोई 20 मिनट जो है ना वो बेक करना है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं 20 मिनट बाद, अल्लाह हाफिज़ जी व्यूअर्स। सो पास्ता हमारा बिल्कुल बेक हो चुका है, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने ना ऊपर वाली जो हीट है ना उसको ऑन किया था कलर देने के लिए, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर है, कितना ब्यूटीफुल हमारा पास्ता पक के रेडी हो चुका है। केयरफुली उठाएं, हाथ जल सकते हैं, मेरे पास तो खैर ग्लव्स हैं तो इस वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, आराम से निकालें, माइक्रोवेव ओवन को करें बंद और ये देखें व्यूअर्स। चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पास्ता, बेकिंग पास्ता कितना खूबसूरत पका है और कितना खूबसूरत कलर है, अभी मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। सारे व्यूअर्स ये देखें जी पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारा, इसको ये देखें मज़ा आ रहा है कसम से, ये देखें व्यूअर्स ये पास्ता हमारा बनके रेडी हो चुका है। यकीन करें पिज्ज़ा भी आप खाना बंद कर देंगे, इतना मज़े का पास्ता है
मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। यकीन करें मुझे आप लोगों की मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग शेयर करें, मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, लोगों से मेरी रेसिपीज़ बना के दें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।